रीसेंट के टाइम में 4K का फीचर बहुत ही फेमस हो गया है। अब हर कोई नया कैमरा या स्मार्टफोन लेने से पहले उसके अंदर 4K के फीचर को जरूरी चेक कर रहा है। अब 4K का फीचर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और 4K और 1080p के रेजोल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हे एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। और इस चैनल पे हम इसी तरह के कैमरा रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट अपडेट को शेयर करते रहते हैं, तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आप कोई भी नई वीडियो का अपडेट मिस ना कर पाए। सबसे पहले हम देखते हैं कि 4K वीडियो और 1080p वीडियो में क्या डिफरेंस होता है। 4K वीडियो और 1080p वीडियो में मेन डिफरेंस होता है रेजोल्यूशन का, जहां हमें 4K वीडियो के अंदर 3840 पिक्सल्स हॉरिजॉन्टली और 2160 पिक्सल्स वर्टिकली मिलते हैं, वहीं 1080p वीडियो के अंदर हमें 1920 पिक्सल्स हॉरिजॉन्टली और 1080p पिक्सल्स वर्टिकली मिलते हैं। 4K वीडियोज़ के अंदर 1080p की वीडियोज़ के मुकाबले ज़्यादा पिक्सल काउंट होता है, जिस वजह से 4K वीडियोज़ में हमें 4 टाइम्स ज़्यादा अच्छा रिजोल्यूशन मिलता है 1080p के मुकाबले। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि 1080p और 4K के पिक्सल काउंट में कितना मेजर डिफरेंस है। अब हम देखते हैं कि 4K रिजोल्यूशन में शूट करने से हमें क्या बेनिफिट है। 4K वीडियो के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि 4K के अंदर पिक्सल काउंट ज़्यादा होने की वजह से अगर हम 4K की वीडियोज़ को जूम इन भी करते हैं तो भी उसकी पिक्चर क्वालिटी इतनी ज़्यादा नहीं गिरेगी, जबकि 1080p की वीडियोज़ को जूम इन करने के बाद उसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत ही कम हो जाती है। 4K की वीडियोज़ का रिजोल्यूशन ज़्यादा होने की वजह से ये वीडियोज़ हम स्टॉक वेबसाइट्स और फिल्म मेकिंग कंपनीज को बहुत ही आसानी से हाई प्राइजेस पर बेच सकते हैं। तो अगर आपका काम वीडियोज़ को ऑनलाइन सेल करने का है तो आपको 4K में ही वीडियो शूट करने का ट्राई करना चाहिए। 4K की वीडियो को अगर हमें कभी 1080p के रिजोल्यूशन तक भी डाउन स्केल करना पड़े तब भी उसकी इमेज क्वालिटी एक 1080p की वीडियो के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आपका काम वेडिंग और इवेंट को शूट करने का रहता है तो आप ट्राई कीजिए कि आप अपनी फाइनल वीडियो क्लाइंट को 4K रिजोल्यूशन में दें। इसका इम्पैक्ट आपके क्लाइंट के ऊपर बहुत ही अच्छा पड़ेगा और इस वजह से आप अपने क्लाइंट से ज़्यादा चार्ज भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि 1080p के रिजोल्यूशन में वीडियोज़ को शूट करने से हमें क्या बेनिफिट्स हैं। 1080p के रिजोल्यूशन पे वीडियो को शूट करने का एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है कि 1080p की वीडियोज़ का साइज़ बहुत ही स्मॉल रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक 4K की वीडियो को 2 मिनट तक शूट करें और एक 1080p के रिजोल्यूशन की वीडियो को 2 मिनट तक शूट करें तो 1080p की रिजोल्यूशन की वीडियो का साइज़ 4K के कंपैरिजन में हाफ होगा। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी पे डिपेंड करती है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 1080p में ही वीडियो को शूट करें, इससे आपको स्टोरेज की दिक्कत नहीं आएगी। 1080p की वीडियोज़ को हम किसी भी लो स्पेसिफिकेशन वाले लैपटॉप या फिर PC में भी एडिट कर सकते हैं और मेनली सभी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स के अंदर 1080p की वीडियोज़ का रेंडर निकालना बहुत ही ईजी होता है। जबकि अगर हम 4K की वीडियोज़ की बात करें तो उसे एडिट करने के लिए हमें डेफिनेटली एक हाई एंड स्पेसिफिकेशन का PC लेना पड़ेगा, जब जाके हम 4K की वीडियो को स्मूथली एडिट कर पाएंगे। तो अगर आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप एक हाई एंड स्पेसिफिकेशन वाले PC में इन्वेस्ट करें तो मेरा आपको सजेशन यही है कि आप 1080p में शूट कीजिए और आपके पास अवेलेबल जो भी कंप्यूटर हो उसमें आसानी से एडिट करके उन वीडियोज़ को रखिए, क्योंकि अगर आप 4K में वीडियो शूट करेंगे तो उनको एडिट करने में आपका बहुत टाइम जाएगा। अभी के टाइम में मेनली जिन डिवाइसेस के ऊपर वीडियो कंटेंट देखा जाता है वो सभी 1080p के रिजोल्यूशन पर ही वर्क कर रहे हैं। तो अगर आपका कंटेंट सोशल मीडिया के लिए बन रहा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 1080p के रिजोल्यूशन पर वीडियो शूट कर सकते हैं। मैक्सिमम मिररलेस और DSLR कैमराज के अंदर हमें 1080p के रिजोल्यूशन में हाई फ्रेम रेट को शूट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप अपनी वीडियोज़ के अंदर स्लो मोशन को रखना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 1080p के हाई फ्रेम रेट वाले ऑप्शन को शूट करके ही वीडियोज़ को बनाएं। अब अगर कंक्लूजन की बात करें कि आपको 4K में वीडियो शूट करना चाहिए या फिर 1080p के रिजोल्यूशन में, तो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको सिचुएशंस के हिसाब से अच्छे से बता दिया है कि किन सिचुएशंस में कौन सा रिजोल्यूशन ज़्यादा सही रहेगा। आखिर में ये हमारे काम पे ही डिपेंड करता है कि उस वीडियो को हम किस जगह पे यूज़ करने वाले हैं, उस हिसाब से हमें उस वीडियो का रिजोल्यूशन रखना चाहिए। अब आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।